नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए व्लॉग में। आज के इस व्लॉग के अंदर हम आपको जानकारी देंगे लखनऊ रेलवे स्टेशन के बारे में। इस समय यात्रियों को लखनऊ रेलवे स्टेशन पर कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। स्टेशन के बाहर ऑटो रिक्शा है, कैब है, टैक्सी है, आप अपनी सुविधा के अनुसार किसी को भी बुक कर सकते हैं। जैसे ही आप स्टेशन के अंदर एंट्री करते हैं, यहाँ पर LED लगी हुई है जिसमें ट्रेन की इन्फॉर्मेशन दी गई है, कौन सी ट्रेन कितने बजे आने वाली है, कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर यात्रियों को दी जाती है। यात्रियों के बैठने के लिए यहां पर सीटी बनी हुई है जहां पर बैठकर यात्री अपने ट्रेन की प्रतीक्षा कर सकते हैं। पूरा शेड्यूल यहां पर दिखाया गया है जिसमें यात्री देख सकते हैं। इसके अलावा यहां पर प्लेटफॉर्म टिकट भी आप लोग ले सकते हैं। सामान की सुरक्षा करने के लिए और किसी भी सामान के अंदर कोई एक्सप्लोसिव मटेरियल ना लेकर आए उसकी पूरी तरह से यहाँ पर डिटेक्ट किया जाता है। आने वाली ट्रेनों के बारे में जानकारी देने के लिए बोर्ड भी है, पूछताछ केंद्र भी है और सामान को जांचने के लिए मशीन भी लगाई गई है जिसमें कि सभी यात्रियों के सामान भी जांचे जाते हैं RPF के द्वारा। स्टेशन पर RPF का एक अलग से सेक्शन बनाया गया है, अगर किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना होती है तो RPF हमेशा तैयार रहती है। इसके बाद दोस्तों चलते हैं पानी की तरफ, क्योंकि यात्रियों को पानी की तलाश रहती है। तो स्टेशन पर आपको सभी प्लेटफॉर्म पर पानी अवेलेबल है और आपको यहां पर ठंडा पानी भी मिल जाता है। स्टेशन पर यात्रियों के सामान ढोने के लिए इलेक्ट्रिक रिक्शा भी बनाई गई है। इसके अलावा जितने भी यात्री प्लेटफॉर्म पर नहीं चल सकते हैं उनके लिए भी ये रिक्शा काम आ जाती है। इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं, देख रहे हैं यहाँ पर साफ सफाई का भी कंटिन्यू काम चल रहा है, बहुत सारा काम इस समय प्रगति पर चल रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आपको दिखाते हैं यहाँ पर विद्युत ड्यूटी रूम भी यहाँ पर बनाई गई है, अगर इलेक्ट्रिसिटी की कोई प्रॉब्लम होती है तो यहीं से सॉल्व हो जाती है। यात्रियों के सामान रखने के लिए यहाँ पर एक अलग से रूम बनाया गया है जहाँ पर यात्री अपने सामान रख सकते हैं। विश्राम करने के लिए अलग अलग सेक्शन बनाया गया है जिसमें AC भी है, नॉन AC भी है, आप जाकर अपने सुविधा के अनुसार रूम बुक कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों पीने का ठंडा पानी सभी यात्रियों को तलाश रहता है, जो भी यात्री स्टेशन पर आते हैं उम्मीद करते हैं कि उन्हें ठंडा पानी मिले, तो यहाँ पर ठंडा पानी की भी सुविधा है। इसके अलावा दोस्तों विश्राम करने के लिए जितने भी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं गर्मियों में, उनके लिए एक AC वाला रूम बनाया गया है जहां पर आप लोग देख सकते हैं लगभग इस कमरे में 6 AC हैं, जिसमें से अभी 3 AC एक्टिव रूप से चल रही हैं जहां पर यात्री प्रतीक्षा कर सकते हैं। डिजिटल इंडिया के तहत दोस्तों अब आपको टिकट लेने के लिए लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने फोन से भी टिकट काट सकते हैं या फिर ATM की तरह दिखने वाली इस मशीन में आप अपने डेस्टिनेशन सेलेक्ट करके खुद से भी टिकट ले सकते हैं या फिर काउंटर पर भी ले सकते हैं। स्टेशन पर आप लोग देख सकते हैं बड़े से 2 पंखे भी लगाए गए हैं जिससे कि यात्रियों को गर्मी ना लगे और उन्हें ज्यादा परेशानियों का सामना ना करना पड़े। पूछताछ केंद्र भी बना हुआ है जहां पर यात्री पूछताछ कर सकते हैं, खुद से भी आप लोग सेलेक्ट करके टिकट काट सकते हैं। इसके अलावा ट्रेन की इंफॉर्मेशन के लिए दोस्तों अलग से एक बोर्ड लगाया गया है। नहाने या शौच के लिए एक अलग से शौचालय का सेक्शन बनाया गया है जहां पर आप लोगों को 5 रुपए या 10 रुपए देकर के दोस्तों आप शौचालय का भी उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों स्टेशन पर अलग अलग फ्लेवर में 10 रुपए में फ्रूट जूस भी अवेलेबल है। महिलाओं के लिए वेटिंग रूम अलग से बनाया गया है जहां पर महिलाएं वेट कर सकती हैं। कैंटीन की भी सुविधा यहां पर उपलब्ध कराई गई है स्टेशन पर। इसके बाद दोस्तों कई लोगों को चार्जिंग में परेशानी होती है तो चार्जिंग के लिए जगह जगह पर अलग तरह से इस प्रकार के बॉक्स लगाए गए हैं जहाँ पर आप चार्जिंग कर सकते हैं। वाटर वेंडिंग मशीन लगाई गई है जहाँ पर 5 रुपए में देकर आप ठंडा पानी अपने बॉटल में भरवा सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टेयर्स की मदद से अब हम चलते हैं ऊपर की तरफ और आपको दिखाते हैं दूसरे प्लेटफॉर्म पर किस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं लखनऊ रेलवे स्टेशन पर। लगभग सभी प्लेटफॉर्म नंबर पर दोस्तों लिफ्ट और एस्केलेटर की सुविधा प्रोवाइड की गई है जिससे कि यात्री आसानी से ऊपर से नीचे जा सकें। Thank you.